अच्छा लग रहा था ना। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। चलो बटन पुश कर दो मम्मी। पंखा चला, पंखा पंखा यहाँ पे पंखा लगा देता हूँ, यहाँ पे बढ़िया। तो हाँ, तो दिन की शुरुआत ऐसी हुई कि आज भी मैं जिम नहीं जा पाया, पर कोई चक्कर नहीं, शाम को चला जाऊंगा। शाम को वैसे ही जाना था क्योंकि मुझे प्रोटीन का डब्बा लेना था। मैंने अपने गुरुजी से प्रोटीन का डब्बा मंगवाया था, तो मैंने कहा दो दो चक्कर क्यों लगाने जिम के, है ना। और वैसे नहीं भी लगाऊंगा तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि शरीर तो अपना बना हुआ है, मेरे को तो जरूरत है नहीं। तो अभी मैं मम्मी के साथ गुरुद्वारे जा रहा हूँ। आज मम्मी के साथ गुरुद्वारे जाना हो रहा है, दिख रहा हूँ ऐसा। मम्मी के साथ गुरुद्वारे जाके उसके बाद टोको पनीर लूंगा, क्योंकि यहाँ से जो लेता था वो जो यहाँ पे सप्लाई करता था ना, उसकी तबीयत खराब है तो कर नहीं पा रहा, तो इसीलिए नहीं होगा। चलो पूछ लो आप। चलो ठीक है यार, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ मत्था टेक के, फिर मिलता हूँ आपसे। खाली थी फिर उसने? हाँ वो खा रही थी आराम से बैठ के। कई कई बार होती है ना, दाल देते हैं तो खाती नहीं है। नहीं आराम से उस दिन क्या हुआ था, मैंने बिस्किट्स थे ना जो रोहित लेके आया था, जब हम वहाँ जा रहे थे तो फिर गाड़ी में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा डॉगी को डाल देता हूँ, तो डाले थे ना, तो चार पांच डॉगी को डाल दिए थे मैंने, थोड़े 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 करके, पूरा पैकेट था ना, तो बट खाए ही नहीं किसी ने। ये तो ओट्स वाले थे इसीलिए नहीं खाए होंगे। फिर वो पार्ले जी, वो लेके पार्ले जी आया था जो कुत्ते को खिलाते हैं ना, वही मेरे को खिलाना चाह रहा था। और मैंने बोला कि मैं उसको डाल देता हूँ डॉगी को, कह रहे अबे भाई पागल है ओट्स वाले। क्या हो गया ओट्स वाले है तो? कह रहा हाँ, फिर खुद कहता था वो भी डॉग लवर है ना, और फिर मतलब एनिमल लवर होते हैं ना ये, और फिर चिकन खा लेते हैं। ये मेरे को लग रहा है एमसीएल में थी। होर की दे ली मेरे करके यार, अब फिर ऑफिस जाओ। ऑफिस में ना सब बढ़िया है, मेरे को किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, काम में भी मजा आता है करने में, हर चीज बढ़िया है। बट यार वो जो बातें करते हैं ना, उनसे ना मैं रिलेट नहीं कर पाता। तू थोड़ा, मैं ये नहीं बोलता कि वो गलत है या मैं सही हूँ, और मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं गलत हूँ वो सही है। बट वही है ना कि उनकी अपब्रिंगिंग अलग है थोड़ी, वो थोड़े साउथ दिल्ली है, उनको सब कुछ उनका बढ़िया रहा है, पैसों वैसों की दिक्कत नहीं रही, लाखों रुपए की चीजें खरीद लेते हैं वो, जारा गुची वर्साची ऐसी ऐसी चीजें खरीदते हैं वो। और मेरा थोड़ा अलग हिसाब है, मेरे को जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो खरीद लेता हूँ। तो बस वो वही बातें करते रहते हैं, और जो और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिनसे मैं रिलेट नहीं कर पाता, पर वही है ना, जब मजबूरी होती है तो करना पड़ता है, सही बात है ना। बोलो। सब ऑफिस में ऐसे होता। पहले नहीं होता था यार मेरे, आज से थोड़ी जॉब कर रहा हूँ, छह सात साल हो गए मेरे को, बताओ। इनपरफेक्टो में था ना, तो तब था, उससे उसके बाद में जहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, सोशल वहाँ पे गया था, स्क्वायर फॉक। हाँ। क्या दिक्कत थी, क्यों वहाँ पे मैम इतना 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 बर्डन डालती थी, काम करवाते थे वो, मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि काम करवा रहे काम नहीं करा रहे, मैं इस चीज का एक्सक्यूज नहीं दे रहा, मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मतलब लोगों से रिलेट नहीं कर पा रहा मैं, वो चीज कह रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम? नहीं नहीं यार नहीं, मैं वहाँ पे सबकी लेनी देनी करके रखता था, करके यहाँ भी रख सकता हूँ, पर वही है ना यार कि अभी सितारे गर्दिश में है। उस टाइम वो नहीं था ना कि घर वर का वो कोई प्रेशर नहीं था ना, खैर प्रेशर तो अभी भी नहीं दिया, मैं क्यों जुड़ बोलूं मम्मी ने, बस अपनी थोड़ी थिंकिंग ऐसी है कि अब जो चीज मैंने साथ मिलकर मम्मी के साथ डिसीजन लिया है, ये डिसीजन ना मेरा मम्मी का अकेले का था ना मेरा अकेले का था, ये दोनों का था है ना मम्मी, घर लेने का। तो अब जो EMI चल रही है तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस थोड़ी सी ज़्यादा मेरी है, क्योंकि मम्मी ने अपने टाइम पे बहुत कर लिया, जितना कर सकती थी उससे ज़्यादा कर लिया, मेरे को इतना बड़ा कर दिया, मेरे को 20-25 अंडे खिलवा दिए दिन के, और क्या चाहिए। दो टाइम का रोटी तो हर घर वाले करवा देते हैं, मेरे को 25-25 अंडे खिलवाए,
प्रोटीन की कभी कमी नहीं होने थी। क्या हुआ, प्रोटीन का डब्बा खत्म हुआ अभी, कल खत्म हुआ है, हाँ कल ही खत्म हुआ। मम्मी ने बोला प्रोटीन मंगवा ले फटाफट, मैंने कहा नहीं यार मन नहीं कर, मतलब वो होता है ना ओवर एक्टिंग, ये दुकान तो हुई मैं, तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरी वीडियोस देख देख के तो ना मैंने बोला नहीं यार नहीं अब मेरा मन नहीं करता प्रोटीन। कि तू पागल वागल है क्या, इतना कुछ जो यहाँ तक अचीव करा है तू सब कुछ खत्म कर देगा, क्या करेगा ये वो, डाइट वैसी नहीं हो पाती, जितनी बहुत प्रोटीन इंटेक होती है वो भी खत्म कर देगा। मैं यही चाहता था कि मम्मी बोले, क्योंकि पैसे तो मुझे मम्मी से लेने हैं एट द एंड, डर भी रहता है कि कहीं मम्मी बोल दे मैं नहीं दे रही। ये वाली गाड़ी ले लो मम्मी, खुद ऐसे चला रहा है, तेरे को बोल रहा है, खुद अच्छा मेरे को बोल रहा था, उसका ध्यान कहाँ है, कोई नहीं है। अभी एक कमेंट में एक बंदे से बहस हो रही थी कि गाली गुली दे रहा था मेरे को कमेंट में, फिर कह रहा है कि मेरी प्रोफाइल देख ले तेरी औकात नहीं है, फिर मैंने उसको कमेंट कर दिया, मैं कहा भाई सॉरी गलती, तेरी प्रोफाइल खुल गई, अब हंसी नहीं रुक रही, अब क्या करूं ये बता दे। मत बोला कर ऐसे, मैं चाहता हूं मैं नहीं बोलूं, हमने किसी से दुश्मनी नहीं ले ली, ठीक है मैं दुश्मनी नहीं ले रहा, नहीं ले ली हमने किसी से, बहस नहीं करती, बहस नहीं होती ब्रो, चल बाय बाय। वो 10 की चौनी है आज मारेंगे भर के, बीटी बीटी हो रही है, बेटी हो रही है, गाँव में होती थी बेटी, तो फिर ये नहीं बोलना है कहीं पता चले ज्यादा लाइक्स तो आ जाए पर लेकिन गालियां ज्यादा पड़े, ये इतना प्यार भी नहीं चाहिए मुझे। 180 हो गए शायद से सब सब्सक्राइबर, एक एक करके बढ़ रहे हैं, एक महीने में एक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। अब शाम को जाऊंगा भर के बाइसेप ट्राइसेप मारूंगा और प्रोटीन भी आ जाएगा मेरा, तो और बढ़िया सेक्स ई। और 10 की चोनी है क्यों बाल सकोनी है और की दे लई मेरे करके। एक टी शर्ट खरीदी थी मैंने, टी शर्ट कह रहा हूँ सॉरी शर्ट खरीदी थी, तो क्या वो एक या दो वो पहनी, उसके बाद धोई, उसके बाद एक या दो बार धो के क्रॉप टॉप बन गई साड़ी। उस फिर दुकान वाले से और कपड़े लेने गया था मैं, फिर मैंने उसको शिकायत लगाई उसकी कि भाई यार वो तो क्रॉप टॉप बन गई, क्या करा तुमने, क्या कपड़ा दिया, तो बोलता कि यार अच्छा ऐसे हुआ आपके कपड़े, अब ले ओ मैं बदलवा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर उसको वापसी कर दी, कल गया उससे वापसी लेने, कह रहा भैया मैं तो भूल गया था कि फ्राइडे को आ जाना, आज है वीरवार, थर्सडे फ्राइडे को जाके लेके आऊंगा। और उसने बोला कि हाफ स्लीव्स की लेके आनी है फुल स्लीव्स की, मैंने जो ली थी ना वो हाफ स्लीव्स की ली थी, मैंने कहा अब तो भाई सर्दी आ रही है फुल स्लीव्स की ले आई हूँ, कह रहे ठीक है ये बढ़िया हो गया ना, दो बार मैंने हाफ स्लीव्स की पहन ली, फोटो फोटो खिंचा ली, बढ़िया अपने को बढ़िया है ना, एक शर्ट लो उसको ढंग से फोटो वोटो खिंचा के वायरल कर दो उसको, उसके बाद दूसरी आ जाए फुल स्लीव्स की, लोगों को लगे वाओ कितना पैसे वाला है, पहले सेम स्टफ इसने हाफ स्लीव में लिया वही स्टफ फुल स्लीव में ले लिया, यार बाइसेप का साइज बहुत ज्यादा कम हो गया, लोग भी बोलते हैं भाई ढलकी बॉडी, बुरा भी लगता है पर फिर उल्टा सीधा खा लेता जैसे की जानी है, क्योंकि मुझे पता है यार जब मुझे बनानी होगी ना मैं बना लूंगा, पर अभी मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मुझे कब बनानी है, कब मेरे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बूढ़ी 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 दस की चौनी है, अभी पेट भरा हुआ है, नहीं तो मैं सामने ब्रेड पकौड़े वाला है और कचौड़ी वाला मैं खा लेता। यो यो अक्षय सिंह हनी सिंह की वापसी हो रही है, 14 या 15 को उसका क्लास 4 गाना आ जाएगा, बढ़िया सुनेंगे यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार पार्ट 2। चलो इस व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, एक दोगले दोस्त को फोन करना है, उसको मैंने बोला था सुबह की चलेंगे आज शाम को वर्कआउट, तो वो सुअर मेरे को बोलता कि तेरी औकात है मेरे जितना वेट मारने की, कोई चक्कर ही नहीं औकात दिखाएंगे, औकात देखेगी, आ जा तुझे आसमान में ले चलूं सितारों को उसकी औकात दिखाने, ऐसी कोई क्रिंज वीडियोज ही बनाने लग जाता हूँ साली वही वायरल हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, अभी वही है ना गर्दिश में है सितारे मार लो हमारी, बाहर चमन में होंगी तुमने तुम्हारी,
एडिट करने की जरूरत ही नहीं, मुझे एडिट कर देता हूँ, बीप बीप लगा दिया करो। चलो ओके, इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे नहीं खत्म करता, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने बजे मेरी छुट्टी हुई, उसके बाद मैं गया बाइसेप ट्राइसेप रज के मारी मैंने, उसके बाद घर जाके हिलाना नहीं है, सो गया। ओके Yeah.